क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8 बाय 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 8, व्हाई और व्हाई नॉट, ठीक है। 8 बाय 9 जो है माइनस 1 बाय 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, और यदि है तो व्हाई, क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, 8 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 बाय 9 इंटू 8 माइनस 1 जा माइनस 8 और प्लस 1 करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा बाय 8, ठीक है। इसको देखिए क्या होगा, 8 इंटू माइनस 1, 8 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ओके। तो वैल्यू क्या आएगा, 8 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7। तो यहां पे कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह से दिया हुआ है कि आदमी मिस्टेक करके और माइनस 9 लिख देगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो माइनस 7 बाय 8 हुआ, वैल्यू क्या हो गया, 8 वन जा 1, तो 8 वन जा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 बाय 9, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस 7 बाय 9 जो है 1 के इक्वल नहीं है, ये माइनस 7 बाय 9 है, 1 नहीं है, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू 1, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होने के लिए सबसे मेन जो रूल जो है वो रूल क्या बोलता है, कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाय 3 का 3 बाय 2 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 आता है, लेकिन यहां 1 तो नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ या पहले यही लिख लीजिए आप, क्या नो क्या है, 8 बाय 9 इज नॉट, 8 बाय 9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 8, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू करके काट दिया, यानी नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।